इस आदमी की बिल्कुल भी औकात नहीं है कि भाभी जी जैसी खूबसूरत लेडी के बगल में सोए। हम भी अब ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि कम से कम एक हफ्ते तक तो भाभी जी आपके इर्द गिर्द फटकेंगी भी। Let me handle this. क्योंकि मुझे एक बार चेचक हो चुकी है, मुझे दोबारा होगी नहीं, लेकिन आपको हो सकती है भाभी जी, और आपको इनसे दूर रहना होगा, बहुत दूर। दीवाना जी, चचा, बंद कर रहा हूँ बाहर से। जाओ मिल के आओ, जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चिकन पॉक्स कंटेजियस होता है, अगर मैं उनसे मिलकर आऊंगी तो मुझे भी हो जाएगा। भाभी जी, क्या हुआ भाभी जी? आप बाहर क्यों आए? यहाँ पर जाइए अंदर। भाभी जी क्या करें, कमरे में हमारा दम घुट रहा है। तिवारी जी आप बाहर आएंगे सबको चिकन पॉक्स दे देंगे। जाइए अंदर, जाइए। भाभी जी बस बस एक बार आप अपने दर्शन दे दीजिए, बस एक बार। तिवारी जी अंदर जाइए, कहा ना आपको। भाभी जी तो हमसे ऐसे दूर भाग रही है जैसे हमें कोड़ हो गया हो। भाभी जी को फिल्म दिखाने का इससे बेटर मौका जिंदगी में नहीं मिलेगा। विभूति, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। लेकिन मुझे पता है भाभी जी इतनी आसानी से मानेंगे नहीं, कोई तिवड़े भिड़ाना पड़ेगा। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी, भाभी अमर बुटी जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। अच्छा भाभी जी, क्यों भाभी जी? अमर बुटी जी, हम लड्डू के भैया के लिए समोसे बनाए हैं, क्या आप उनको दे आएंगे प्लीज? भाभी जी कैसी बातें करती हैं आप, आपको प्लीज बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, मैं करना चाहता हूँ, आई एम डूइंग इट विद माय फ्री विल। भाभी जी ठीक है, हम अभी लेके आते हैं। जी भाभी जी ने तो खुद ही आइडिया दे दिया कि मैं इनको फिल्म दिखाने कैसे ले जा सकता हूँ। स्मेल होती भाभी जी आपके हाथ के समोसों की। ठीक है ठीक है, एक मिनट, क्या कर रहे हैं? जाइए जाइए। अम्मा जी को फोन करते हैं। अम्मा जी वो कहा है ना, अम्मा जी हमको कुछ सूझ ना ही रहा है, ये जो लड्डू के भैया है इनको चिकनिया हो गया है। चिकनिया? अरे वो का होता है बहुरिया? अम्मा जी उनको माता जी निकला है। माता जी? ओहो, उनको तो चेचक कहते हैं बिटिया। सही पकड़े हैं। तई मैं टेंशनिया कह रही है बिटिया। हमको भी तो एक बार हुआ था चेचक बचपन में। तो अम्मा जी आप कहाँ किए थे? हम कहाँ किए थे, हम एक ठो कमरा में बंद हो गए थे एक हफ्ता के लिए। सुनो बिटिया, तुम जो है काम करो, वो बैल को एक ठो कमरा में बंद कर दो, है? ठीक है अम्मा जी। हाँ और सुनो, देखो बैल के सामने मत जाना, का है ना कि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी बिटिया के चांद जैसे चेहरे पे चेचक का दाग आए, है? ठीक बा अम्मा जी, बाय बाय। हाँ बाय बाय, चलो। अभी जी मैंने तिवारी जी को चारों समोसे खिला दिए और डकार भी दिला दिए उनको मैंने। थैंक यू। अब कैसे हैं वो आप? बस जैसे थे वैसे हैं, ज्यादा फर्क तो है नहीं, बस ठीक है, 19-20 है जो है। कब तक ठीक होंगे लड्डू के भैया? भाभी जी अब उन्हें चेचक हुई तो वक्त तो लगेगा, ये टाइम तो लगेगा। वो भी हाँ। भाभी जी एक्चुअली वो मुझसे कुछ रिक्वेस्ट कर रहे थे। हदिया का रिकास्ट कर रहे थे? नॉट रिकास्ट, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट सही पकड़े हैं। जिस तरह उन्होंने मुझसे कहा, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के रो के, मुझसे ना नहीं कहा गया भाभी जी।
एक्चुअली एक फिल्म लगी है मीनाक्षी टॉकीज पर, मैं भाभी तेरे आंगन की। तो क्या वो फिल्म देखना चाहते हैं? हाँ चाहते थे आपके साथ भाभी जी। अदया। उन्होंने तो टिकट भी एडवांस में बुक करा लिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको चेचक हो गई और वो आपके साथ जा नहीं पा रहे। अदया, क्या हो गया? तो फिर उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि वो फिल्म दिखाने मैं आपको ले जाऊं। अदया, ये बोले वो? हाँ। बड़े इमोशनल होके बोले कि हे भभूति, पागल कहीं के साले, तो इसमें मुझमें कोई फर्क है? तू मेरे भाई जैसा है। मैं कन्विंस भी हो गया कि मैं उनका भाई हूं। लड्डू के भैया ऐसे बोले? हाँ, और बड़े इमोशनल थे और मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा कि भभूति, मेरे भाई, मेरे जाने के बाद अंगूरी की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है, तू रखेगा ख्याल उसका, अंगूरी का ख्याल तू रखेगा। जिस तरह उन्होंने कहा मुझसे, भाभी जी ना कहा गया, ऐसा ठीक है, I'll do it। मैंने भी ऐसे रिएक्ट किया कि कचुनाई होगा आपको, कचुनाई होगा, यू नो, चेचक निकली जरा सी, ठीक हो जाएगी। हम अभी लड्डू के भैया से मिले। क्या बात कर रही भाभी जी, आप क्या बात कर रही हैं? आपको देख के वो इमोशनल हो जाएंगे, और अगर इमोशनल हो गए तो उनकी चेचक बह जाएगी। वैसे ही वो बहुत इमोशनल हैं और मुझसे कह रहे थे कि वो अंगूरी मुझको लेके बड़ी स्ट्रेस है, बड़ी परेशान है, एज आई कैन सी आप बहुत परेशान हैं, तो एक काम करना कि उसको पहले चारबाग गार्डन ले जाना, उसके बाद वो रामदास हलवाई है उसके पास, उसको रबड़ी खिलवाना और गोलगप्पे खिलाते हुए उसको फिल्म दिखाने ले जाना। नहीं नहीं नहीं, हम लड्डू के भैया को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उन्हें पता था आप नहीं मानेंगी, इसलिए उन्होंने अपनी कसम दी है आपको। अभी जल्दी चलिए, आपको मैं वो राम प्रसाद हलवाई की बेस्ट रबड़ी खिलाता हूँ और वो भोरी लाल के फेमस गोलगप्पे, मजा आ जाएगा। अब भरभूति जी, वो कहा है ना, लड्डू के भैया को ऐसे अकेले छोड़कर हमको गोलगप्पे लपड़ी पपड़ी खाने का मन ना ही कर रहा है। श्री भाभी जी, देखिए मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंसिस्ट किया, मुझे बोला दिल भर के, आई थिंक वी शुड गो, और वो उनकी आखिरी इच्छा थी। आखिरी इच्छा? एक्चुअली आप तो उनका नेचर जानती हैं, अभी वो कह रहे हैं जाओ, वो कल को पलट गए तो आखिरी इच्छा हुई ना। हाँ, ये बात भी सही है, पहली बार तो वो ऐसी इच्छा किए हैं। यस भाभी जी, लेट्स रन अवे। कहाँ वाले? मतलब भाग के चले, वो फिल्म छूट जाएगी, आइए ना। हाँ ठीक है, तो कहा है ना, हम पहले गोल गप्पे खाएंगे, हाँ, फिर जलेबी खाएंगे, पर रबड़ी हमको ना ही अच्छी लगती। रबड़ी अच्छी नहीं लगती आपको? कोई बात नहीं, नेवर माइंड। मम्मी जी चश्मा लगा के देखो, वो अनु नहीं है, वो पड़ोसन है, अंगूरी जी। अपना मामा जी, अट्ठी का जीती रहे पड़ोसी की बहू। खचेड़ू, मुझे तेरी कितनी याद आई, तुझे ना पता। अच्छा मम्मी जी, तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ अभी। अरे माँ, इतनी दूर से मिलने आई है, तू कहाँ जा रहा है माँ को छोड़ के? अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मम्मी जी, मेरे को जरूरी काम है, मैं काम करके आता हूँ, तुम चलो ना अंदर। अरे माँ से बढ़ के कौन सा जरूरी काम है क्या तेरे लिए? अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मम्मी जी, ये हमारे साथ इनके 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 पति के लिए दवाई लेने जा रहे हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, तिवारी जी की तबीयत खराब हो गई, उनको चेचक निकल आई है मुंह पे। मम्मी जी आई लव यू, मम्मी जी आई लव यू। बहुत पकाती, इतना पकाती। ए, क्या पुसर पुसर कर रहा है तू? मैं कह रहा हूँ तुम बहुत पकाती हो। मैं कह रहा हूँ तुम कभी कभी हमारे घर पे आती हो, ये बोल रहा हूँ मैं। कचेड़ू, माँ इतनी दूर से चल के आई है, कचेड़ू तुझे कोई भी करना है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाने की सोच रहा है, अभी चल के आ रहा हूँ। दुनिया के बदल गया है कचेड़ू। ये क्या मुसीबत है यार? कचेड़ू माँ, मुसीबत हो गई तेरे लिए। नहीं माँ, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, डोंट गेट इमोशनल यार, ठीक है, आई एम सॉरी, ओके, रोना बंद करो, रोना बंद करो। अमर बुद्धि जी, अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही है, इतनी दिनों के बाद आइए, जाइए, घर लेके जाइए इनको। अरे एक मिनट, अरे तू क्या नाम ले रही है इसका? भड़भूति जी। अरे भड़भूति ना, विभूति के, विभूति नाम रखा है मैंने इसका। आदो ही तो कह रहे हैं भड़भूति जी। अरे भाना, वाह वाह
अम्मी जी बस करो यार, वो भाभी जी वाह को भा बोलती है, यू हैव अ प्रॉब्लम। चलिए अंदर चलिए, आइए आइए मेरे साथ, चलो मेरे साथ ऑफिस। भाभी जी मूड चेंज मत कीजिएगा, मूड बना के रखिएगा, बस मैं अभी गया और अभी आया। तू मुझे देख के चीखी क्यों? वो सासू माँ, मैं आपको देख के सरप्राइज हो गई थी। ओह सरप्राइज, लेकिन वो सरप्राइज वाली चीख ना आई, वो तो बिल्कुल ऐसी जैसे तूने कोई चुड़ैल देख ली हो। सासू माँ मैं तो आपको हमेशा ही देख के खुश हो जाती हूँ। मम्मी आपको अनु ना बहुत मिस कर रही थी, आज सुबह से कह रही थी कि बहुत दिन हो गए सासू माँ को देखा नहीं। लो सासू माँ आ गई, देख लो। अरे बहू तू यहाँ आके अपने संस्कारों का सैंडविच बना के खा गई है जी? आपका क्या मतलब? क्या मतलब क्या? अरे घर में सासू माँ आई है पहली बार, हैं? हमारे यहाँ तो पांव छूने का रिवाज है सासू माँ के, तूने छुए? सॉरी 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 सासू माँ, प्रणाम। अरे क्या सॉरी सॉरी, जीती रहे हैं? कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुझे क्या बीमार दिख रही हूँ? मम्मी कैसी बातें कर रही हो आप? आप बीमार होने वाली पार्टी नहीं हो, करने वाली हो। एरी खुशी सासू माँ कुछ भी तो नहीं। आप लोग का तालमेल देखकर, प्यार मोहब्बत देख के मेरा दिल एकदम भरा आया, यू नो। आप लोग बातें कीजिए प्यार भरी, मैं जरा खेल के आता हूँ। एक्चुअली मुझे ना अपनी ग्रूमिंग क्लास लेनी थी, एक स्टूडेंट था उसको सिखाना था हाउ टू डील विद अ सास। तुम ग्रूमिंग क्लासेस लेने जा रही हो क्या? नहीं नहीं मैं फोन पे बात कर लूंगी ना, तब तक तुम अपनी मम्मी को झेलो। जी मेरा कहने का मतलब है कि अपनी मम्मी की गोद में खेलो। मैं भी आती हूँ सासू माँ। हाँ हाँ मम्मी, मुझे एक अर्जेंट काम है, जरा मैं करके आऊँ। ना ना तुझे कहीं जाने की जरूरत ना है। अरे मैं सफर से हारी थकी आई हूँ, कहाँ जा रहा है तू? यहीं बैठ मेरे पास, कुछ आराम मिल रहा है इसमें, ले पाँव दबा। ओ मम्मी, अरे इस चिकन पॉक्स नाम के सयाद ने हम बुलबुल को इस पिंजरे में कैद करके रख दिया है। इतनी देर से कोई इंसानी शक्ल नहीं देखी, अरे हमें किसी इंसान की शक्ल नहीं देखनी, बस एक बार भाभी जी की शक्ल देखने को मिल जाए, बस एक बार। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, बस एक बार अपने दर्शनों की औषधि इन आंखों को पिला दीजिए तो इस मरीज को थोड़ी राहत मिल जाएगी। कितनी देर से आपको देखा नहीं है भाभी जी, बस बस आ जाइए भाभी जी, जल्दी आ जाइए, जल्दी अपने दर्शन दीजिए भाभी जी। भाभी जी भाभी जी ने हमें देखना भी मुनासिब नहीं समझा। ओह, क्या हम इतने बदसूरत, इतने कुरूप हो गए हैं? भाभी जी, जी 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 भाभी जी। तिवारी जी आप बाहर क्यों आ रहे हैं बार बार? क्या करें भाभी जी, आपको आपको देखा तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए। तिवारी जी आपको पता है ना कि चिकन पॉक्स की बीमारी कितनी ज्यादा इन्फेक्शस होती है, आपको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए। जी भाभी जी, लेकिन क्या करें, हमारा हमारे कमर में दम घुट रहा है। तिवारी जी
थोड़ा धैर्य रखिए। हाँ, संयम से काम लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। भाभी जी, आप हमारे साथ हैं ना? हाँ तिवारी जी, मैं आपके साथ हूँ। बस भाभी जी, आपका साथ रहा तो बड़ी से बड़ी बीमारी से भी हम लड़ लेंगे। देखिए तिवारी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप अपना ध्यान रखिए और प्रॉमिस कीजिए कि आप बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे, ठीक है? जी जी भाभी जी, आई एम मिसिंग यू। जी मतलब मिसिंग यू ऑल पीपल्स। ओके ओके, बाय 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 भाभी जी। लड्डू के भैया, क्या है अंगूरी? लड्डू के भैया कैसे बा? अरे हम ठीक नहीं बा। तो हम आ जाए का अंदर? नहीं नहीं अंगूरी, अगर तुम अंदर आ गई तो तुमको तो चिकन फॉक्स हो जाएगा। हो जाने दो चिकन फॉक्स। अरे वो चिकन फॉक्स नहीं, चिकन पॉक्स होता है पगली। सही पकड़े हैं, हो जाने दो हमको, हम आ रहे हैं। अरे नहीं नहीं अंगूरी, तुम आ जाओगी तो तुमको चिकन पॉक्स हो जाएगा और वो तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दया, लड्डू के भैया आप हमसे कितना प्यार करते हैं ना? हाँ अंगूरी, आई लव यू सो मच। हो गया इसका एक्सेलेटर शुरू। कैसे गया? कचेड़ू एक बात तो बता, ये बहू तुझे टाइम पे खाना वाना तो दे दे वे ना? खाना वो ना देती, मैं देता खाना उसको। है तू खाना बना के दे वे उसे? वो कह रही और तू बना रहा है? अरे मम्मी, खाना बनाने का शौक है मुझको। वो तो ठीक है तुझे शौक है, लेकिन एक बात बता दे रही हूँ कचड़ू, देख फिर ना कहियो मुझे कि मैंने समझाया ना। तू ऐसे ही करता रहेगा ना तो बहू की आदत खराब हो जाएगी, फिर देख ली। अच्छा चल छोड़, सुन मैं क्या कह रही हूँ। मैं आई हूँ तो तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बना के खिला रही हूँ तुझे। हैं? मुझे ना खाना गाजर का हलवा, गाजर नहीं है घर में। गाजर ना है घर में? ना। तो कोई बात ना है, लौकी के कोफ्ते बना रही हूँ तेरे लिए, चल। लौकी भी ना है? लौकी भी ना है? अरे ठीक है फिर, अजवाइन और नमक डाल के ऐसे परांठे बनाऊंगी उंगली चाट लेगा तू अपनी। मम्मी आटा भी ना है घर में? आटा भी ना है? अरे खचड़ू, तूने मुझे बताया क्यों ना फोन करके? तू गरीबी में दिन गुजार रहा है यहाँ? मम्मी ये फालतू की बातें छोड़ो और काम की बात सुनो। इलाके में चेचक फैली हुई है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चेचक हो जाए। हाय राम, इससे बोल रहा हूँ चुपचाप निकल लो। ठीक है मैं निकल रही हूँ, ये तूने सही कहा, लेकिन तू भी तो चल ले। ये क्या बेकार की बात कर रही मम्मी, मुझे एक बार चेचक हो चुकी है, दोबारा ना होगी। लेकिन तुम्हें चेचक हो गई ना मम्मी तो तुम्हारे चेहरे पे निशान बहुत बुरे लगेंगे और वो अनिता है ना, तुम्हें बहुत टॉन्ट मारेगी, छप्पन टिकली बोलेगी तुमको। और मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना कर पाऊंगी खचड़ू कि बहू मुझे छप्पन टिकली बुलाए। अच्छा सुन, जैसे तुझे खबर मिले ना कि मोहल्ले से चेचक चली गई है, तू मुझे मिस कॉल दे दियो, मैं फोन कर लूंगी, ठीक है? अरे ससुमा कहाँ जा रही है आप, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ ना। ना बहू, मैं वहीं चल के अपने हाथ की चाय बना के पी लूंगी अदरक वाली। सासुमा थोड़े दिन तो रुक जाती हैं आप। अब इतना कह रही है तो चलो एक रात को तो रुक जाती हूँ। बहू मैं निकल रही हूँ। अच्छा सासुमा, फिर आराम से आइएगा। हाँ ठीक है, खुश रहे। अरे अरे रिक्शा तो तू छोड़ दे, बता। रुको मैं आ रहा हूँ। थैंक यू विभू। किस बात का? मुझे सासू माँ के कहर से बचाने के लिए। इसे एक बात बताओ, ये अचानक आ कैसे गई? याद आ रही होगी इनको मेरी। ऐसा होने से पहले तुम उनसे मिलके क्यों नहीं आते? ध्यान रखूंगा नेक्स्ट टाइम। अरे आ रहा है कि ना आ रहा, मैं रिक्शा में बैठ ली। जाओ विभू जाओ, इससे पहले कि उनका इरादा बदल जाए। जा, जा। आ रहा हूँ, आ रहा मम्मी, आ रहा हूँ मम्मी, आ रहा हूँ। गॉड, पाल पाल बच गए। और सुनो तुम मेरा वेट मत करना, खाना ना खा लेना, मिल जाऊंगा। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अच्छे से छोड़ देना उनको। थैंक गॉड। भाभी जी, भाभी जी कमान हरिए, जल्दी करिए, टाइम नहीं हमारे पास। लेट्स गो, कमान कमान लेट्स गो, चलिए ना। भरभूति जी, भाभी जी आई एम सॉरी, मम्मी आ गई थी, आई एम रियली सॉरी। ओके ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। अरे इस सिचुएशन में अच्छी बात नहीं है।
मैं कह रहा हूँ भाभी जी, फिल्म शुरू होने में सिर्फ एक घंटा आया, और किसी भी कीमत पर फिल्म शुरू होने से पहले मुझे आपको चार बाग घुमाना है, आपको चाट खिलानी है, आपको पानी के बताशे खिलाने हैं। और क्या भाभी जी की उस फिल्म का जो पहला सीन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि वो सीन आप जरूर देखें, बड़ा रोमांटिक सीन है। है ना भरभूति जी, हम कहाँ ये फिल्म विलम एंजॉय कर पाएंगे? भाभी जी, इट्स नॉट एंजॉय, इट्स एंजॉय। सही पकड़े हैं। लड्डू के भैया घर पे अकेले हैं और हम कैसे जाएंगे? अरे भाभी जी, लड्डू के भैया की तो इच्छा है, वो तो चाह रहे हैं कि मैं आपको, मैं भाभी तेरे आंगन की दिखाऊं। भाभी जी ठीक बा, हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे, हम अभी परस लेकर आते हैं। जल्दी चाबियां भी लेके आइएगा, चाबियां भी। कम ऑन हरी अप फास्ट, प्लीज जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, इससे पहले कि कोई और रोड़ा आ जाए मेरे रास्ते में। हे बहुरिया, जल्दी आ बिटिया, बहुरिया। ये लो, इस बार रोड़ा नहीं, पूरा का पूरा पहाड़ आ रहा है। Ha ha ha!